तो भैया मिल गया अपने को अपना पेपर जिसमें कि हम आए हुए हैं, मतलब केदारनाथ वाला सीरीज भी जल्द आने वाला है मेरे इस चैनल पे। तो इस पेपर में हम आए हुए हैं भाई, हमारा नाम है इसमें कि हम राखी हो छेड़े दे बोना। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, केदारनाथ में हम लोग जल्द जाने वाले हैं। हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा ब्लॉग चैनल द फैट ब्लॉगर। तो गाइस अभी मेरे को जाना है ऑफिस और मम्मी ने यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट में ब्रो ये मैं इसको मूरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूरी और चाय। भाई चाय मेरे को बहुत पसंद है मम्मी का हाथों का, तो भैया पी लेते हैं। मेरा हो चुका है अभी ब्रेकफास्ट डन और आज मैं जा रहा हूँ इसके साथ, यानी जो मैंने गोप्रो लिया था इसको ऑफिस में लेके जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक वीडियो बनाओ, एक अनबॉक्सिंग का वीडियो। वैसे तो ऑलरेडी मैंने इसको खोल रखा है बट एक अनबॉक्सिंग और एक सेटअप वाला वीडियो भी आज के आज डाल दूंगा, बिकॉज आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। और ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ये कल सुबह आएगी भाई। धूप बढ़िया मस्त निकल रही है यार, गर्मी होने लग गई है भाई। ठंड में हम सोचते थे कि धूप आ जाए, गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, अब गर्मी आ गई तो फिर सोचने लग जाएंगे अभी थोड़ी दिनों में कि भाई फिर से जो है ठंडी आ जाए। ये मेरी गाड़ी खड़ी है आज भी गंदी सी और ये लिखा है द फैट ब्लॉगर। अमित भाई कैसा है भाई? ये लेके आया था देख, GoPro Hero 11 Black। तो भाई ये हमिद को भी दिखाने के लिए लेके आया था, बाकी मैं कोई रिव्यू भी बनाना था तो इसलिए भी लेके आया हूँ। चार्ज भी करते रहो क्या? ये बैटरी भी है, ये जो चीज है ये देख ठीक है ना, ये ठीक है, ये पूरा बैटरी है तो इसको लगा के ये चार्ज भी होता रहेगा। ये कवर है? ये कवर नहीं है, ये मीडिया मोड कहते हैं। इसमें ये माइक भी लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल GoPro में अगर ये ना हो तो हमें माइक लगाने के लिए एक अलग सा अडेप्टर लगाना पड़ता है, तो 4,500 का होता है, प्लस माइक वगैरह अलग लेना पड़ता है, ये अडेप्टर अलग लेना पड़ता है। तो GoPro ने ये अलग से निकाल दिया है। सब इसी में। ओवरऑल कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया, मतलब मस्त है ना, बढ़िया है ना। चलो अमित भाई को भी पसंद आ गया, मेरे को तो पसंद था ही तभी लिया है भाई। अभी तो मैं आईफोन से ही व्लॉग कर रहा हूँ बट इसका अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू का, जो कि आज ही डालूंगा अपने चैनल पे। तो तब तक जो है आईफोन से व्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद से इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा भाई। आईफोन ऐसा नहीं है कि उसमें व्लॉग बनाऊंगा ही नहीं, और मैंने क्यों लिया है वो भी चीज मैं बताऊंगा कि आईफोन में मुझे व्लॉग करने में क्या दिक्कतें आ रही है जिस कारण जो है मैंने GoPro लिया है, वो चीज भी मैं बताऊंगा कुछ दिनों में। मतलब हो सकता है कि कल की वीडियो में बता दूं, हो सकता है परसों की वीडियो में बना दूं। तो फिर अगर जानना है तो फिर कनेक्ट रहो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा है तो। तो गाइज मैंने अपने रिव्यू वीडियो जो है शूट कर लिया है अभी ऑफिस में बैठ के। तो अभी जो है सीन ये है अभी कि मुझे जाना है सदर बाजार, जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो सदर बाजार में मैंने कुछ जो है देखे आया था कि कुछ चीजें मुझे करवानी थी, तो वो चीज जो है आज मुझे मिलने वाला है। वहां पे जाएंगे और वो चीज क्या है आपको दिखाएंगे। तो भाई हम निकल रहे हैं अब सदर बाजार के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एक काम है, एक चीज लेने जाना है, तो वो लेके आते हैं। बहुत ही ज्यादा तगड़ा जो है धूप आ रखा है आज यार, और भाई को देखो देसी लुक। आज मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी, सही जगह है, मस्त खड़ी करी है भाई ने गाड़ी, जिसने भी करी है। इतना सा स्पेस छोड़ दिया है कि मैं घुस सकूं, लेकिन भाई बड़ा मुश्किल से घुसना पड़ रहा है। रिव्यू देना चाहूँ अगर मैं GoPro का, तो मुझे काफी ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है GoPro से शूट करने में। अगर मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ और मुझे ऐसे बैक को दिखाना है फिर अपने को दिखाना है, तो ये GoPro में काफी इजी हो जाता है, जो कि आईफोन में नहीं होता है। तो हाँ, जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लाइक आज या कल में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेसिफिक यही रहेगा कि मैंने आईफोन से GoPro में क्यों शिफ्ट हुआ, तो उसमें एक पॉइंट ये भी रहेगा। तो आगे भाई सदर बाजार, और यहीं पे है अपना पंजाब केसरी, जहाँ पे कि मैंने न्यूज़पेपर में अपना नाम देने के लिए दिया था इनको कंटेंट कि मेरा नाम जो है 2 न्यूज़पेपर में आना चाहिए, ताकि मैं पासपोर्ट में अपना उसको अटैच करके, मतलब पासपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें अटैच करके जो है अपना पासपोर्ट जो है बनवा सकूँ। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है बहुत ही मुश्किल से, रास्ते पे मतलब पार्किंग करना पड़ता है, यहाँ पे कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है भाई। थैंक यू भैया सर। तो भैया मिल गया अपने को अपना पेपर जिसमें कि हम आए हुए हैं, मतलब इस पेपर में हम आए हुए हैं भाई, हमारा नाम है इसमें कि हमने अपना नाम चेंज करा है। तो ऑफिस में जाके दिखाते हैं कि क्या सीन है। तो भाई यहाँ से हम ऑफिस नहीं जा रहे डायरेक्टली, एक क्लाइंट है हमारा वो हुडा सिटी सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो उनको लेके थोड़ा सा हमें साइट पे जाना है, उनको साइट विजिट करवाना है। तो हम दोनों भाई जा रहे हैं, अमित भी और मैं भी, तो दोनों भाई जाके उनको साइट दिखा देते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि न्यूज़पेपर वाला लोचा है क्या चीज। तो भाई हम अपनी जगह पे आगे खड़े हो गए, यानी कि 40 के सामने, हुडा सिटी सेंटर पीछे है तो उसके सामने आके खड़े हो गए। यहाँ पे आना है, खड़े ही गाड़ी लेकर हुडा सिटी सेंटर पे, ठीक है? ठीक है। तो भाई हम लोग यहाँ पे खड़े, वो आ जाए तो उनको लेके फिर चलेंगे डायरेक्टली यहाँ से साइट पे, उनको एक बार विजिट करवा दे, उसके बाद अपना आज का काम डन हो जाएगा, फिर आपको दिखाते न्यूज़पेपर वाला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यूज़पेपर वाला सीन दिखाने के लिए, बट दिखाएंगे ऑफिस में जाके।
भैया हम आ गए अपने साइट पे, तो एक बार आपको साइट के दर्शन करवा देते थोड़ा सा हल्का सा। ये बोनसी वाला अपना साइट है, एक साइट है, ऐसे तो बहुत सारे साइट है अपने पास, लेकिन अगर ये इस साइट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये 60-60 गज के जो है अपने प्लॉट कटी हुई है। बाकी इधर में जो है लोगों ने बना के रहना भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये प्लॉट आपको कटा हुआ दिख सकता है, ये 60-60 गज के प्लॉट्स है। बाकी एक गेट यहाँ लगेगी, एक गेट वहाँ लगेगा, दो गेट है। और ये गाइस देख सकते हो ये मेरी स्विफ्ट है, जिसने की बहुत साथ दिया है मेरे अपनी लाइफ में, मतलब बहुत साथ दिया है, बहुत बढ़िया चली है। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा माइलेज कम दे रही है, बट अगर गाइस आप लोगों को स्विफ्ट का ओनरशिप रिव्यू चाहिए, अभी 2 साल होने वाले हैं मुझे, तो 2 साल का ओनरशिप रिव्यू भी मेरे चैनल पे आ सकता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं जरूर इसका एक रिव्यू दूंगा। एंड लोगों को स्विफ्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और क्या इसके लाइक भाई नहीं लेनी चाहिए तो कोई सवाल ही नहीं होता, लाइक इसके क्या कॉन्स है, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। बाकी बहुत जल्द जो है स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन का सोच रखा है, तो बहुत सारी चीजें आगे फ्यूचर में हम करने वाले हैं। तो अपना यहाँ का काम हो गया है, साइट अपना दिखा दिया है अपने क्लाइंट्स को, अब चलते हैं ऑफिस, इनको ड्रॉप कर देते हैं पहले, उसके बाद ऑफिस जाके जो है मैं आपको न्यूज़पेपर वाला दिखाता हूँ। ये तीसरी या चौथी बार है जब मैं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर दिखाता हूँ, तो न्यूज़पेपर अब दिखाऊंगा। हाँ तो गाइस हम लोगों ने अपने क्लाइंट को छोड़ दिया है फिर से, जहाँ से पिकअप किया था उनको वहीं पे। तो भैया अब हमको जो है सिकंजी पीने का मन कर रहा है, तो यहाँ से सिकंजी पियेंगे उसके बाद जाएंगे ऑफिस में। तो भैया एक चीज ना मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा, मैंने बोला था ना ब्रांडिंग वाली चीज, जब मैंने जो है अपने स्विफ्ट में लिखाया अपना द फैट ब्लॉगर, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि लोग देखेंगे, लोग देख के अगर कोई सर्च करता है, जिसको अगर कोई कॉन्टेंट पसंद आए और फिर हमें सब्सक्राइब करे तो हमको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड भी फील करेंगे हम। तो भाई हाँ एक कमेंट दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये कमेंट देख सकते हो आप, अगर दिख रहा हो आपको, आई होप दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है जस्ट नाउ सॉ यू नियर सुभाष चौक, एंड फिर लिखा है सब्सक्राइब, और यस इन्होंने सब्सक्राइब भी करा है, एंड काफी अच्छा लगा ये पढ़ के, तो मैंने हार्ट भी दिया भाई को और थैंक यू सो मच भी लिखा है, थैंक यू सो मच भाई। इस गर्मी में यही एक सहारा है कि सिकंजी वगैरह भाई गुड़गांव में मिल जाती है, तो भाई ये सिकंजी अपना मस्त लगता है भाई, पीने में मजा आता है। बाकी भाई यहाँ पे कचौड़ी मिलती है जो की बहुत फेमस है गुड़गांव में, ऑब्वियसली रस्ते में स्ट्रीट फूड में, ये भी खाते है भाई, भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। हीट आ रहा है गर्मी से, इसमें गैस जला रखा है क्या अभी, और साइकिल पे मस्त एकदम सेटअप बना रखा है भाई ने, उस तरफ गैस जला रखा है, इस तरफ चूल्हा है, गरम गरम सबको सर्व करते हैं मस्त। ये आ गया भैया अपना कचौड़ी, बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था। अब आ रही है अपना चिकन जी का, इसमें बर्फ भी है तो बर्फ वाला मैं पीऊंगा, मजा आ गया भाई, फ्रेशनेस फील होता है इसको पी के। तो अब फाइनल चलते हैं ऑफिस। तो गाइज आ गए हम ऑफिस में, एंड जो न्यूज़पेपर वाला सीन था वो कंप्लीट हो चुका है भाई, मैं न्यूज़पेपर में आ गया हूँ। तो हमारे पास 2 न्यूज़पेपर्स हैं, एक तो है द टाइम्स ऑफ इंडिया और ये वाला है नव भारत टाइम्स। तो मैं दिखाता हूँ, इसमें आपको मेरा नाम दिखेगा भैया, तो इसमें देख सकते हो ये वाला जो, अगर क्लियर आ रहा होगा देख लिया आपने तो ठीक है, ये है नव भारत टाइम्स का, और यही सेम न्यूज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, यानी कि भाई मेरा नाम चेंज हो गया है, अब मेरे पासपोर्ट बनाने में कोई भी दुविधा नहीं आएगी, यानी कि मेरा पासपोर्ट अब बन जाएगा। लेकिन पर दिक्कत यह आ गई कि 25 तारीख का जो है अपना डेट मिला है अपॉइंटमेंट का, जो सेकंड अपॉइंटमेंट है, लेकिन 22-23 तारीख को हमारे जाने का प्लान था केदारनाथ, उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। तो गाइस केदारनाथ वाला सीरीज भी जल्द आने वाला है मेरे इस चैनल पे, तो भाई जो भी केदारनाथ नहीं गए हो, अगर देखना है आपको मेरे साथ मेरे नजरिए से, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, केदारनाथ भी हम लोग जल्द जाने वाले हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:51, और भाई मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि काफी दिनों का जो संघर्ष है वो सफल रहा अपने भाई अर्पण की। अर्पण भाई का आज पहला दिन था जॉब का, तो कैसा रहा पहला दिन जॉब का? बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा इसका पहला दिन? बढ़िया था, अच्छा था। चलो ये सब सुन के बहुत मजा आया मेरे को, बहुत बढ़िया लग रहा है अंदर से फील कि भाई अपना बड़ा भैया जो अर्पण भैया है उसका जॉब लग गया, क्या बोलना चाहेगा? यस ब्रो, तू कुछ नहीं लग रहा, इसी खुशी में ताकि इसके 1 साल तक टिके हम जाएंगे केदारनाथ, इसी खुशी में कि इसका अच्छे से जो है जॉब ऐसे ही चलते रहे। हम जो है एक मन्नत मांगा हुआ था हमने कि भाई हम केदारनाथ जाके भाई के लिए पूजा देके आएंगे, तो हम लोग जाएंगे केदारनाथ भाई के जॉब के खुशी में, एक मन्नत जो हमने रखी थी कि भाई जॉब लग जाए लग जाए, तो केदारनाथ जाके उसको हम मन्नत को पूरा करेंगे। इतना ही मांग रहे तो सरकारी नौकरी के लिए मांग लेते हैं यार। बात तो सही यार, आपने छोटा मोटा चीज मांग लिया। सो गाइस अभी 7:30 बजने वाले हैं, 7:30 बज ही गए समझ लो, और अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। हम आ गए अपने घर, गाड़ी को बंद करते हैं और निकलते हैं। और भाई यार मस्त क्वालिटी आती है इसमें, और मुझे लगा ही था कि ये फ्लैश लाइट लेने का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऐसे जहाँ पे ज्यादा रोशनी नहीं है वहाँ पे मस्त क्वालिटी आने वाली है। बाकी भाई आज गाड़ी सही जगह पे लगी हुई है, क्योंकि आगे भी देखो कोई ऑटो नहीं खाली है, ये एक गाड़ी है बाकी मेरी गाड़ी लगी है, बहुत सही ऐसे ही रहना चाहिए यार पार्किंग।
गाइस आज गाड़ी मैंने अलग जगह खड़ी करी है। यहाँ पे मैं रहता हूँ ये वो बिल्डिंग है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे खड़ी कर रखी है। बेसमेंट में जो है नहीं खड़ी कर सका बिकॉज बेसमेंट का गेट बंद हो चुका है। तो भाई जैसे कि आपने कुछ क्लिप्स मैंने लगा दिए थे आपको दिखा होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हुआ क्या है। तो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि संजय भाई जो कि यहाँ पे खड़े हैं, संजय भाई के एक रिलेटिव थे, कजन ब्रदर लगते थे, कजन ब्रदर थे, उनको था कैंसर। हम लोगों ने चाहा था कि एक जो है ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट करे जिसमें कि डोनेशन आए उनके लिए एंड उनको कुछ हेल्प हो सके। और सीन कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट हमको ऐसा हॉस्पिटल मिल गया कि जहाँ पे कि हमको लगा कि उनका हो सकता है इलाज, जैसे कि उन्होंने श्योरिटी दी थी कि हो जाएगा। बट एट द एंड ये पता लगा कि उनको ये जो चीज़ है ये एक साल से उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी एंड ये जो चीज़ था ये लास्ट स्टेज पे आ चुका था एंड डॉक्टर्स ने यही बोला था कि अगर ये 6 महीने पहले ले आते या उन्होंने बता दिया होता तो थोड़ा सिनेरियो अलग होता। तो आज जो है ठीक हो गया आराम से घर पहुंच सकते हैं, पर आज जो है सीन ऐसा हो गया कि कुछ ज़्यादा ही हालत उनका जो है लाइक क्रिटिकल हो गई थी एंड वो अब दुनिया में नहीं रहे। ये बोलते हुए मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा और संजय भाई के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, बट रियलिटी तो रियलिटी है। बाकी मैं बोलूँगा कि कुछ यादें भी जुड़ी हुई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले संजय भाई से यही बात कर रहा था कि जिंदगी कब किसकी नहीं रहेगी नहीं बता सकते कुछ भी, बिकॉज अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो होली में हम लोग सब साथ में एंजॉय कर रहे थे, नहीं इसी होली में मैं तो था नहीं साथ में, इसी होली में हम लोगों ने होली में एंजॉय किया था साथ में एंड आप देखो मतलब गाइस जिंदगी कब तुमसे छीन जाए तुमको खुद नहीं पता। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई कोई भी अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसी से मत छुपाओ, चाहे जितने भी आपको ऐसा लगे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को लाइक अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं सच बताऊं तो उनको मेरे हिसाब से ना ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ टेस्ट में उनको ट्यूमर हुआ था और शायद उनको ये चीज बताने में अपने फैमिली को अच्छा ना फील हो रहा हो या कुछ मुझे नहीं पता क्या सीन था, वो तो आप वही जानते हैं जो कि हमें नहीं पता क्या हुआ था नहीं हुआ था। बट ये मैं बोलूंगा कि भाई फैमिली से कुछ भी चीजें ना छुपाओ, आपके लिए और फैमिली के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी का आज बेटा गया है तो किसी का लाइक खुद का भी जान गया है, भाई गया है। अब जो गया है वो तो चला गया लेकिन जो पीछे छूट गए उनके लिए बहुत लाइक एक अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इस वीडियो को यही पर रखूंगा, आई होप कि उनकी आत्मा को शांति मिले एंड आप लोग भी सब प्रे करना कि सब कुछ सही हो जाए फैमिली में, उनकी जो माता पिता है उनको भी लाइक जल्दी होता है ना कि थोड़ा सा बेटा चला जाता है तो थोड़ा हो जाता है कि माहौल बहुत खराब हो जाता है, तो उनको भी एक हौसला मिले आगे लाइफ को मूव ऑन होने में, उनको मन की एक जो है हिम्मत मिले। इस वीडियो को यही पर रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी कहीं पर लगे कि हाँ अब मैं पसंद आए ये तो नहीं बोलूंगा, लाइक कर लो ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसा भी हो आप देख लो सपोर्ट करो और ऐसे वीडियोस और भी लाते रहूंगा। ऐसे तो मैं नहीं चाहूंगा कि अभी जिंदगी में ऐसे और वीडियोस लानी पड़े, बट मैं चाहूंगा कि जो जितना एंटरटेन कर सकूं आप लोगों को करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, खाते पीते रहो, माँ बाप के साथ खुश रहो बोलूंगा एंड बस ठीक है, बाय।